दोस्तों, टेक्निकल एस्के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपनी यूट्यूब की थीम्स डार्क कैसे करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि मेरा आने वाली वीडियो को मिस ना कर पाए। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की जो थीम्स होती है वो डार्क आती है, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सी नज़र आती है। और शायद आपको करना भी आता हो, लेकिन अगर नहीं करना आता हो तो ये वीडियो देख लें। अगर करना आता है तो इट्स ओके, आप फिर भी अगर वीडियो चाहे देखना चाहे तो देख सकते हैं, वरना कट करके जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने यूट्यूब को ओपन कर लेना है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि ये जितना भी है सारा वाइट वाइट नज़र आ रहा है, तो इसको डार्क कैसे करना है। ठीक है, तो इसी आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या है, आपको जाना है अपने जो चैनल का लोगो है उस पर क्लिक कर देना और यहाँ से चले जाना है सेटिंग में। ये सेटिंग का ऑप्शन से इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, सेकंड, उसके बाद आप यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ऑटो प्ले, डाउनलोड हिस्ट्री वगैरह। लेकिन आपको सबसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है जनरल्स, उस पर क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो देख रहे हैं आप इनेबल डार्क थीम, इस वाले ये वाला ऑप्शन, इसको आपको ओके कर देना। ये देखिए, जैसे ही आपने ओके किया कि आपकी थीम्स डार्क में बदल गई है। ठीक है, और यहाँ से आप जो मान लीजिए आप कोई यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो होता है कि आपको 10 सेकंड की बढ़ती है वीडियो, अगर आप स्लाइड करते हैं बार बार तो 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। तो इसे आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं कि 10 सेकंड, 5 सेकंड, मतलब 60 सेकंड तक। ठीक है, और सेकंड है नेटवर्क कनेक्ट चेंज करने का, मतलब कि आप अपनी जब वीडियो अपलोड करते हो तो आप वाईफाई से करोगे या फिर एनी नेटवर्क, तो एनी नेटवर्क पे ही रहने दें। वाईफाई से तो करते हैं लेकिन बहुत कम लोग ही करते हैं। और उसके बाद अपलोड क्वालिटी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि किस क्वालिटी में आप वीडियो अपलोड करना चाहोगे या फिर ओरिजिनल क्वालिटी में, तो आप जो चाहें वैसे रख सकते हैं। और ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। लेकिन मेरे वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आप अपनी सीम्स को डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो अभी चलिए देखते हैं कि हमने डायरेक्ट करने के बाद हमारी थीम्स दिख कैसी रही है बाहर से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमें डार्क करने के बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा, मतलब कि थीम्स का तो ओरिजिनल कलर आएगा लेकिन जो पीछे का बैकग्राउंड था वो सारा डार्क हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।